तो थो थोड़ा टेम्पटेशन रहता है कि व्हाट डू यू आई थिंक इट्स गुड टू नो व्हाट यू ट्रूली नीड टू लिव नमस्कार दोस्तों डीप टॉक में आपका आज फिर से स्वागत है uh, मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है आज करण बजाज जो एक लेखक भी हैं सो एक राइटर तो हैं बट इन्होंने राइटिंग से कई ज्यादा चीजें किया है अगर आपने कंपनी का नाम शायद सुना होगा वाइट हैट जूनियर वो इन्होंने कंपनी चालू की थी और ना सिर्फ चालू की चालू की बनाई बड़ी की और उसको बेच दिया बाय uh, को को ज़ अनप्रेसिडेंट इन इंडिया मतलब इतने पैसे बने मैं आपको बताता हूँ अभी कितने पैसे बने एंड नॉट ओनली दैट ही इज़ अ पर्सन जिन्होंने बहुत स्पिरिचुअलिटी करी है बहुत ट्रैवल करा है बहुत कुछ मतलब एक तरह से वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है और इनसे मेरे को लगता है बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है और इनकी अपनी स्टोरी भी बड़ी इंक्रेडिबल है सो थैंक यू करन फॉर कमिंग थैंक यू वेरी हैप्पी टू से आ रहे हो हो आप आप गोवा गोवा में में रहते हो में रहता। सब पैसे वैसे बना के बंगला लेके गोवा में बंगला खरीदा नहीं कभी मैं कभी खरीदता नहीं हूँ कुछ भी तो ज्यादातर चीजें खरीदता नहीं हूँ बेचते हो <laughs> कंपनी बेची है बेची है तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है ना तो आपने वाइट हार्ट जूनियर बना के अठारह महीने में बेच दी हाँ नौ महीने में एक बच्चा पैदा होता है अठारह महीने में आपने एक कंपनी बना के बेची जो जीरो से स्टार्ट हुई थी गाइस ठीक है और अठारह महीने में वो कंपनी आपने बेची थ्री हंड्रेड मिलियन यू एस डॉलर्स जो मेरे कैलकुलेटर में तो फिट नहीं आएगा अगर मैं उसको करूँ कितने रुपये होते हैं पर मेरे ख्याल से रफली ढाई हज़ार करोड़ रुपये होते इक्कीस के आस पास इक्कीस सौ करोड़ होता है उस टाइम पर आज तो ढाई हज़ार हो गया रुपये इक्कीसो करोड़ और उसमें अगेन सब पब्लिकली डिस्क्लोज है तो आपका चालीस परसेंट था करेक्ट तो आठ सौ नौ सौ करोड़ आपके उसमें आए यू मेड एट हंड्रेड टू नाइन करोड़ हाँ डील्स थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम बाउंड होता है इन कितने साल आप रुकते हो कंपनी में उस पर डिपेंडेंट होता है बट आप अंदर ऐसे पैसे आए मतलब आपने देखा ऐसे जैसे हमें एस आता है कि यू हैव रिसीव पेमेंट ऑफ फाइव थाउजेंड रुपीज़ है या आपने यू हैव मेड पेमेंट ऑफ टू थाउजेंड रुपीज़ तो ऐसे एस एम एस आया था कि यू हैव रिसीव नाइन हंड्रेड करोड़ रुपीज़ सरप्राइजिंगली सिमिलर प्रोसेस रहता है कि लाइक okay. like, <laughs> तो कोई, कोई कोई चेंज नहीं होता प्रोसेस तो की no, कम का आपको एस एम एस टिंग एस एम एस नहीं आया बट और मुझे ये शायद याद नहीं है पूरी तरह बट पता था कि ये पैसा बैंक में ट्रांसफ़र हो गया एंड फ्रॉम वट आईव हर्ड ऑफ योर जर्नी यू ऑल्सो हैड टाइम्स वेर यू डेंट हैव एनी मनी ऐसे बिना ट्रैवल कर रहे हो कहीं भी कुछ खा रहे हो कहीं भी कहीं रह रहे हो बेसिक में तो जब इत यार मतलब इतने पैसे लाइफ में आ जाते हैं मैं मैं करूँगा आपकी पूरी जर्नी पे बात बट आई आई जस्ट टू ओपन कन्वर्सेशन व्हाट व्हाट आई एम मोस्ट क्यूरियस अबाउट जब इतने पैसे सडनली आ जाते हैं हालांकि आपको पता होगा बिक रही है डील हो रही है ऐसा तो नहीं है कि एक दिन लॉटरी लगी तो कैसा लगता है uh, अगर बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो जो भी इफेक्ट होता है उसका ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता लाइक like एक एक टाइम के लिए इफेक्ट uh, होता है? मतलब इनिशियल क्या द ओनली इफेक्ट दैट हैपेंस इज है मेंटली एक फ्रीडम डेफिनेटली आता है विद इनफ कैश एंड आई आई डोंट थिंक वो नंबर हैज़ टू बी 500 करोड़ और 2000 थाउजेंड करोड़ आई थिंक एक्चुअली द नंबर मेरे हिसाब से तो बहुत मिनिमल है बट uh, जो जो आपने नंबर डिफाइन करा है अगर फ्रीडम uh, के लिए एक तरीके से एक बार वो आ जाता है तो यू फील फ्री कि आपकी जो आगे की लाइफ है वो आपका कंप्लीटली वही डिसीजन लोगे जो आपके मन में है और uh, जो आपके दिल में है एंड देर इज़ नो अदर पैरामीटर टू मेक अ डिसीजन सो आई थिंक वो फ्रीडम डेफिनेटली आता है बट सरप्राइजिंगली थोड़े टाइम के बाद uh, जो आपका नॉर्मल स्टेट पे यू गो बैक टू दैट स्टेट ऐसे कोई अयाशी का आया क्या कोई अयाशी करी आपने उसके बाद नहींजेंस जेंटेज नहीं एक्चुअली क्योंकि मेरा लाइक uh, परचेस like से कभी हैप्पीनेस से ज़्यादा कोरिलेशन रहा नहीं था मेरी खुशी और परचेज से कोई कोरिलेशन नहीं रहा था तो उससे भी uh, कुछ करा नहीं था और uh, उसके बाद मैंने एक साल कॉस्टरिका में रहा आफ्टर जब कंपनी छोड़ी और एग्जिट करा बट वो मैं पहले भी रह चुका था लाइक like, uh, पहले भी अपना जॉब छोड़ कर एक साल के लिए मैं डिफरेंट जगहों पर रहा हूँ और ट्रैवल कराए तो वो भी कुछ आई से कुछ uh, अगर एप्पल चैपल देखो तो कुछ भी नहीं बदला कोई कोई भी ऐसा एक भी ऐसा डिसीजन मैंने नहीं लिया जो पहले नहीं लेता था मैं तो कि पैसे से खुशी नहीं मिलती मैं कहूँगा कि फ्रीडम इज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो जो जो एक पीरियड आता है जिसके अंदर एक मेंटल फ्रीडम है कि आपके आगे के सारे डिसीजंस वही होंगे जो आपका हार्ट और माइंड सोका जो मन से करेंगे वो डेफिनेटली आई थिंक उससे देयर इज अ लेवल ऑफ हैप्पीनेस फॉर दैट फॉर श्योर ऐसी ऐसे यू नो

ये ये चीज़ें खरीद के तुम्हें तो खुशी मिलेगी और उससे पहले एक और बात भी है कि जस्ट बिफोर वाइट हेड जूनियर मैं एक्चुअली डिस्कवरी का हेड था इंडिया में डिस्कवरी चैनल जो है डिस्कवरी चैनल का जो हेड था एंड जैसे आप जानते हैं आप तो राइटर हैं कि चाहे स्टार्टअप हो या राइटिंग हो उसका नाइन्टी परसेंट फेलियर रेट होता है एंड एंड दैट टू फंडेड स्टार्टअप्स का और पब्लिश नॉवल्स का जिसका ऑलरेडी इतने बड़े बड़े गेट कीपर जिसके आगे लगे हुए हैं टू मेक श्योर की द क्वालिटी इज वेरी गुड उसके बाद भी नाइन्टी फेलियर रेट होता है तो जब मैंने डिस्कवरी छोड़ा था वाइट हेड जूनियर स्टार्ट करने के लिए तो ये दिमाग में था नहीं कि इससे बहुत पैसे कमाऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादा दिमाग में ये था कि डिस्कवरी का हेड का सैलरी एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है hmm. वो छोड़ के मैं यू you नो know, एक स्टार्टअप कर रहा हूँ जहाँ पर मेरा सैलरी जीरो है तो ये दिमाग में कभी था नहीं कि एक दिन पैसे बनेंगे तो आई थिंक कहने का मतलब ये है कि यू नो पैसे के लिए वो करा नहीं था तो इसलिए ऐसा लाइक like जब आया लाइक इट वॉज सक्सेसफुल आई डेंट कुछ ऐसा कुछ बदला नहीं वाई इट्स नॉट लाइक आई वॉन्ट टू कीप टॉकिंग अबाउट द मनी यू गॉड बट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ देखिए ऑनिस्टी की बात है कि यहाँ पे मेरे चैनल पे इट्स अ मोटिवेशन चैनल यहाँ पे वो लोग आते हैं जो अपने आप को लाइफ में और सफल चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं मोस्ट पीपल डू नॉट हैव एनी वेर क्लोज टू द मनी नंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट मे बी किसी की पच्चीस हज़ार सैलरी है और उसको चालीस हज़ार करना चाहता है लाइक देट एंड ऐसे में कई बार लाइफ में लगता है यार बस पैसे होते हैं

सी सीन इज द ओनली वे टू मेक दैट काइंड ऑफ यू नो मनी एट यंग एज इज टू क्रिएट समथिंग टू बिल्ड समथिंग एंड इफ आई वे टू बी ऑनेस्ट इन माई ओन जर्नी आई वॉज आई वॉज बिल्डिंग थिंग्स पहले नॉवल लिख रहा था फिर यू नो लाइक मैं कोशिश कर रहा था कि अपना कुछ बनाऊंगा एंड उस बनाने से एक फ्रीडम मिलेगी आई विल गेट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है दैट दैट फीलिंग ऑफ फ्रीडम इज वेरी इम्पोर्टेंट राइट ओके सो लेट्स गो बैक टू योर जर्नी I remember your name. The first time I had heard your name was when I was a writer, right? I had written, I think, one or two books, and uh, "Keep Off the Grass." Yeah. 2008. 2008. So my first book came in 2004. Four. Uh -huh. So 2008 tak meri, I think two or three books I had. One night at a call center, Three Mistakes of My Life," and uh, there was a buzz about "Keep Off the Grass." There was. You had a lot of marketing. फर्स्ट अ वेरी क्विक टू मिनट बैकग्राउंड ऑफ योर्स हाउ डिड यू गेट फर्स्ट बुक पहले बट आर एम Can you just यू जस्ट a अ वेरी background ऑफ़ uh, si आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ क्या पढ़ाई की कौन सी जॉब करी और पहली बुक तक कैसे पहुंचे? अच्छा तो बैकग्राउंड मेरा आपसे काफी सिमिलर है मेरे फादर भी आर्मी में थे तो काफी मूव करते रहे तो स्कूलिंग में मेरे अबाउट आप मे बी आपकी तरह नाइन टेन स्कूल्स चेंज करे थे मैंने ट्वेल्व इयर्स में उसके बाद uh, ग्रेजुएशन आई एम बैंगलोर से बी आई टी रांची से इंजीनियरिंग और आई एम बैंगलोर से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने प्रॉक्टन गैम्बल ज्वाइन करा था इंडिया में yeah. <coughs> फिर पी एन जी से मेरा ट्रांसफर हुआ इंडिया से सिंगापुर फिर यू एस दो हज़ार रफली जस्ट दो हज़ार आठ में मैंने अपना जॉब छोड़ा था प्रोक्टन गैम्बल में यू एस में आई थिंक दो रीज़न थे एक तो वो आर्मी का थोड़ा सा रूटलेसनेस था ऑलरेडी आई गेस डी एन ए में एक लेवल पर So, मतलब मतलब टिक के नहीं रहना के टिक के नहीं रहना जैसे होता है क्योंकि बार-बार ट्रांसफर होता रहता है बट आई थिंक मोर इंपॉर्टेंटली मुझे ऐसे लग रहा था कि जहां मैं हूँ आई वाज 28 ईयर 29 इयर्स ओल्ड उस टाइम पर तो मुझे लग रहा था कि अगले 20 साल में मैं यही कर रहाऊंगा अगर मैं हर रोज आता रहा जॉब करूंगा क्या, 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 क्या करते प्या 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 थे पीएनजी में कौन ब्रांड मैनेजर था कौन सेस Uh, मैं यू एस में इंडिया में एरियल और टाइट का ब्रांड मैनेजर था उसके बाद फिर यू एस में एक शैम्पू हर्बल लाइसेंसिस का ब्रांड मैनेजर था तो जॉब में आई वज डूइंग वेरी वेल अच्छा करा था इंडिया में था फिर मूव करा उन्होंने मुझे मल्टीपल कंट्रीज़ में यू एस में उस टाइम पर ज़्यादा लोग नहीं जाते थे तो दे मूवड मी ऑली पर मुझे ऐसे एक फीलिंग आने लगा कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ये पूरी अगले बीस साल में यही करने वाला हूँ मतलब यहाँ से डायरेक्टर बनूँगा वाइस प्रेजिडेंट बनूँगा और मुझे लग रहा था कि ये दिस ये पूरी लाइफ का ये मीनिंग नहीं हो सकता एंड uh, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि और क्या करूँगा एंड डेफिनेटली और जॉब पे जाने का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि यू नो से इस जॉब से उस जॉब में शिफ्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा तो फिर मैंने अपना जॉब छोड़ कर uh, छः महीने बैकपैक करने का डिसीजन लिया और तंग आ गए थे जॉब से या ऐसे कुछ ऐसे खट्टापन आ रहा था या ऐसे खालीपन आ रहा था बिकॉज लॉर्ड ऑफ पीपल फील दिस काफ़ी लोग अपनी जॉब में होते हैं उनको लगता है यार ठीक है जॉब है थोड़ा द प्रॉब्लम इज जब आप एकदम मिजरेबल नहीं होते ना और ऐसे बहुत ज़्यादा खुश ज़्या। भी नहीं और ना चल रही है कट रही है और धीरे धीरे तो तो तरक्की भी हो रही है थोड़े पैसे भी बच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बोर्डम भी चालू हो जाता है इट बोर्डम मैं कहूँगा ऑपोजिट एक्चुअली मुझे जॉब काफ़ी अच्छा लगता था बिकॉज uh, uh, वो वो ब्रांड मैनेजमेंट में लेफ्ट राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि एनालिटिकल है काफ़ी काम मार्केट शेयर एनालिसिस करो क्रिएटिव है क्योंकि एडवर्टाइजिंग वगैरह बना रहे हो तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग जॉब मुझे इससे मेन यही लग रहा था कि पूरी लाइफ ऐसी निकल जाएगी क्योंकि तब फैमिली भी पुश करी थी शादी करने के लिए आई ट्वेंटी नाइन ईयर्स ओल्ड तो मुझे एक एक ऐसा एक एक विजुअल आ रहा था कि लाइक लाइफ नहीं चाहिए थी अच्छी थी लाइफ सब लोग कहते हैं यार प्रॉक्टर एंड गैमगुल में लगा हुआ है यूएसए में लगा हुआ है मतलब आप कह रहे हो कि पूरी लाइफ ऐसी निकल जाएगी जैसे कोई सजा है आ, मैं वो बुक बुक्स काफ़ी पढ़ता था तो मुझे लग रहा था उस टाइम पर कि लाइक जब बायोग्राफीज पढ़ो लोगों की तो ऐसे लगता था कि यू नो लोग काफ़ी बड़ी बड़ी लाइफ जी रहे हैं और ये मुझे मुझे उस टाइम पे लग रहा था मतलब आई वाज कि ये तो एक एक बहुत छोटी सी लाइफ होकर रह जाएगी कि ये, ये बात ये, कहनी ज़रूरी है क्योंकि आ, हमारे जितने भी लिसनर कि डू यू थिंक एक यंग एज पर यह सोचना कि यार एक जिंदगी थोड़ी ख़ास जिंदगी जीनी है एक एवरेज लाइफ नहीं ये ये जीनी जबकि आपकी आई वुड से पी एन की जॉब इज़ अ वेल अबव एवरेज लाइफ बट एक कुछ खास जिंदगी जीनी है ये तमन्ना मन में होनी जरूरी है हाँ मुझे लगता है मुझे लगता है कि काफ़ी वो है और और एक तरीके से वो वो हिंदू फिलोसफी में अच्छा वो पॉइंट है ना धर्म धर्म टाइप का धर्म का आइडिया नॉट कर्म धर्म की एक पेड़ है लाइक अ ट्री कैन जस्ट ग्रो एंड बेयर फ्रूट उसका वो धर्म है वो ही कान लुक टू अ रिवर एंड से कि रिवर तो इतना बहती है इतने मिलियंस ऑफ लोगों को इम्पैक्ट करती है तो मुझे भी यू you नो know, नदी की तरह बनना चाहिए मैं पेड़ हूँ तो पर वो पेड़ का धर्म है कि उसको बस बड़ा होकर ही हैज़ टू बेयर फ्रूट सो आई थिंक जब तुम्हें एक फीलिंग आती है कि तुम अपना पूरी तरह धर्म में नहीं रह रहे हो कि दिस इज़ नॉट योर दिस इज़ नॉट योर फुल एक्सप्रेशन ऑफ योर नेचुरल इंस्टिंक्ट यू नो दैट इन योर हार्ट कि एक तरीके से एक पूरा एक्सप्रेशन होता है अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट का और अगर वो पूरी तरह फील नहीं कर रहे हो तो यू शुड टेक द यू नो यू शुड टेक द प्लन्ज मेरा मेरा हमेशा व्यू रहा है कि एक्शन लीड्स टू इन्फॉर्मेशन एक्शन लोगे तो अपने बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो उस टाइम लग रहा था कि ये मेरा धर्म नहीं है कि कि शादी करी US में रहे जॉब जॉब करा करा like लाइक ये दिस इज़ नॉट एक्सप्रेशन बट आई हैव मुझे और और क्या करना चाहिए आ, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया uh, yeah. डिसाइड बट बनारस के यू यू एक्चुअली डन दैट हंग आउट विद साधु हाँ उस टाइम पर तो वो तो बहुत अर्ली डेज थे तो मैंने इमिजिएटली आईम के बाद भी मेडिटेशन का एक कोर्स करा था टेन डे साइलेंट कोर्स करा था और उस टाइम पर मेरा थोड़ा सा और डीपली इंटरेस्ट हुआ था ओपनिषद और बुद्धिज़म में तो आई वॉज रीडिंग एंड देन वाराणसी वगैरह ट्रेवल करा था तो लॉर्ड ऑफ दैट वॉज इन द फर्स्ट नॉवल या बट हाँ तो वो अंदर से एक अर्ज था कि दिस इज ये मेरा फुल नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं है सो so आई उस टाइम पे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो आई जस्ट डिसाइडेड टू लीव एंड कि मुझे लगा कि बैकपैक पैक करूँगा और फिर मैंने छोड़ के वही करा तो सो यू लेफ्ट पी एन जी जॉब फिर आपने कहा छः महीने बैक पैकिंग करूंगा तो कैसे करते हैं बैक पैकिंग और करनी चाहिए कि नहीं कई लोग इंडिया में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्चुअली कि बैक पैकिंग करके चांटा पड़ेगा तुम्हें करेक्ट है ना नहीं उस उसमें मेरी मदर ने भी बहुत अच्छा ये कहा था वो कह रही थी कि अमेरिका में रह रहे हो इसका मतलब नहीं कि अमेरिकन बन गए हो यू you नो know, तुम तुम हो तो इंडियन तो बाहर रह रहे हो तो ये सब अमेरिकन लोग करते हैं कि छोड़ के चले गए एक साल के लिए अपने आप को ढूंढने इंडियन लोग नो अपने आप को ढूंढने की जरूरत नहीं है तो मैं हम बताते हैं तुम क्या हो करेक्ट एग्जैक्टली exactly. <laughs> <laughs> तो वो तो यू नो वेरी सिमिलरली उनका भी यही रिएक्शन था तो क्या क्या मतलब बैक आपने छोड़ के आ गए रिजाइन करके आ गए तो क्या प्लान था का, क्या कहाँ जाना चाहिए सरप्राइजिंगली बहुत ही आई वुड से इलॉजिकल प्लान था क्योंकि मुझे हमेशा से एक था कि

मतलब एक तो इंडियंस करते नहीं है हाँ, इसीलिए मैं ये ये बात कर रहा कि या, या, बिल्कुल बिल्कुल और दूसरा अकेले किसी अकेले देश में जाके हाँ, मतलब ऐसे रह लिए थोड़ा बहुत पता है लोगों को इंडिया में फुटबॉल टीम वगैरह उनका और ऐसे ब्राजील में जाके रह लिए पेरू में जाए और आप अकेले हो ना आपके कोई दोस्त हैं ना आपके कोई वर्क कोलीग्स हैं ना पड़ोसी हैं ना चाचा है ना मामा है तो ऐसे मतलब वॉट इज इट लाइक जस्ट मतलब वो लोगों को बताइए कि कैसी होती है वो लाइफ और उसके मतलब जो लोग ये करने का सोच रहे हैं कई बार मन में होता है कई बार मेरा मन करता है मैं छोड़ के चला जाऊँ सब कुछ तो क्या उसके फायदे प्रोज कॉन्स नुकसान हाँ हाँ जस्ट एलेबरेट ऑन दैट तो सो आई थिंक सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये था कि सो so मैं उस अगर वो छः महीने का पीरियड देखूँ तो मैं कम से कम मैं अबाउट दो तीन महीने ब्राज़ील पेरू और बुलिबिया वगैरह साउथ अमेरिका में थोड़ा रहा फिर एक दो महीने मंगोलिया मेरा मेरा हमेशा से मन था गोभी डेजर्ट देखूंगा तो उस टाइम पर मैं सोचा कि करूंगा फिर मंगोलिया मेरा थोड़ा भट भूटान सेंट्रल एशिया मेरा और उसके बाद ईस्टर्न यूरोप में रहा तो एक तो उस टाइम पर यह था कि इंडियंस को वहाँ वीज़ा मिलना आसान था थोड़े लंबे पीरियड के लिए यूरोप वेस्टर्न यूरोप वगैरह उस टाइम पे मुश्किल था शैनगन वीज़ा वगैरह मिला अभी मुझे पता नहीं बट उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल था तो एक तो वन डिसीजन क्राइटेरिया वाज दैट एंड फिर हमेशा मेरा मन था इन जगहों पे को देखने का तो वो करा मैंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सबसे बड़ा फायदा आई थिंक विच इज़ रैली जिस इज़ रैली शेप्ड माई लाइफ आफ्टर दैट वॉज कि एक लेवल पे हम लोग को सब पता है सबको पता है यही बात कि पीपल आर मोर सिमिलर देन डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड तो यहाँ पर जब मैं था इन कंट्रीज में ब्राज़ील वगैरह में ऑब्वियसली किसी को ज्यादा लोग इंग्लिश नहीं बात करते स्पेशली इंटीरियर्स वगैरह में अमेजन वगैरह में बट सरप्राइजिंगली यू कुड जस्ट गेट बाई इन अ वे विद द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट लाइक पीपल आर वेरी वेलकमिंग यू नो इधर उधर थोड़ा सा गाइडबुक वगैरह देख के बात करके यू नो योर यू आर गेटिंग बाय एंड उससे आई थिंक बहुत ज़्यादा मेंटल इफेक्ट होता है क्योंकि उसके बाद से आई थिंक मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सिमिलर रादर दैन डिफरेंट हैड लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ मेरी वाइफ एक अमेरिकन है उस लाइक यू नो उस टाइम पर मैंने कभी ऑब्वियसली सोचा नहीं था कि किसी फॉरिनर से शादी होगा बट मेरी वाइफ अमेरिकन है दैन वाइट है जूनियर के टाइम पर बहुत जल्दी डिसीजन लिया हम लोगों ने कि ब्राज़ील में लॉन्च करेंगे पेरू में लॉन्च करेंगे यूएस में लॉन्च करेंगे अगर वो फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस नहीं होते तो आई वुड ऑलवेज हैड दिस बैरियर कि पहले इंडिया में प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाएंगे फिर बाहर ले जाएंगे बट मुझे लग रहा था कि अगर इंडिया में प्रोडक्ट चल रहा है तो वो ब्राजील में भी चलेगा लोग आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर सो आई वुड से कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसिस थे उस डिसीजन के उस टाइम पे नहीं पता था कि यू नो दिस विल हेल्प सम स्टार्टअप वन डे या फिर उसे मेरा लाइक एल इम्पैक्ट माई लाइफ पार्टनर और जिससे शादी होगी बट रैली में एक तरीके से एक तरीके से माइंड खुल गया कि पीपल आर ऑल ऑल ओवर दर्ल्ड आर मोर सिमिलर डिफरेंट चाहे वो मंगोलिया में हो या पेरू में हो आप अभी ब्राजील uh, like में रह रहा हूँ yeah. yeah. करते क्यों पूरा दिन वेरी गुड क्वेश्चन तो एक और लर्निंग था मेरा उस पहला क्योंकि एक्सपीरियंस था कि जो बहुत जल्दी वो जो लाइक यू नो डिजायर होता है कि दुनिया देखनी है वो बहुत जल्दी एक दो चर्चेस देखोगे एक दो कैथीड्रल देखोगे और वो बहुत एम टी लगने लग जाता है क्योंकि हर महीना बिकम्स द द सेम एज अदर मंथ दैट्स द टाइम आई स्टार्टेड राइटिंग द नावल सो सो आई थिंक वो जो uh, उस टाइम तक आई मैंने कभी सोचा नहीं था कि नॉवल लिखूंगा लाइक uh, like उस टाइम पर मैंने अपना नॉवल लिखना स्टार्ट करा था क्योंकि दे वर्ज सो मच वैक्यूम एक गैप था एंड आई वॉज ग्रोइंग अलॉट क्रिएटिवली

पीपल जो लोग बैग पैकिंग जाना चाहते हैं वट वुड यू लाइक टू टेल द मतलब क्या किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्यों वट आर द राइट रीजन टू डू इट मतलब क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए ना इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए शायद नहीं करना चाहिए नहीं, हाँ <laughs> तो मुझे लगता है कि जो पहला डिसीजन है वो बहुत टफ रहेगा उसके बाद यू नो मैंने और काफ़ी ऐसे यू you नो know, उल्टे पुलटे डिसीजन लिए बट वो जो पहला डिसीजन था वो एक्चुअली मेरे लिए सबसे टफ था डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके बाद मैंने कंपनी छोड़ी जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे अपना स्टार्टअप करने के लिए आई टेकन बिगर डिसीजन बट वो पहला डिसीजन डिस्पाइट आई वॉज अ लोन क्योंकि एक तो पेरेंट्स का था कि शादी करो ये वो अमेरिकन मत बनो एंड ऑल दैट देन प्रियन जी मैं आई वॉज डूइंग वेल ऑन उन्होंने भी बोला कि वन वे डोर है एक बच्चा ले गए तो दोबारा आ नहीं सकते एटलीस्ट प्रोकट गैमल में दोबारा नहीं आ सकते तो उस टाइम पे ऐसे लग रहा था प्लस उस टाइम में ट्वेंटी नाइन पे तब वो याहू ग्रुप्स होते थे तो सब लोग शेयर कर रहे थे कि ये मेरे बच्चे हैं लाइक यू नो पीपल बच्चों की फोटो लाइक न्यूली बॉर्न बच्चों की फ़ोटो शेयर करते थे लोग और जो अभी व्हाट्सएप पे आजकल शेयर करते हैं अपने अचीवमेंट्स की मैं यहाँ पहुँच गया करियर में वहाँ पहुँच गया तो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि एकदम लाइक आई एम गोइंग टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन क्योंकि ट्वेंटी नाइन ईयर्स का हूँ ना शादी है ना बच्चे हैं ना करियर यू uh, नो you know, करियर छोड़ के जा रहा हूँ घूमने घामने लाइक like, तो आई आई वॉज फीलिंग वेरी कि मतलब दिस वॉज वॉट माई लाइफ फॉर सपोज टू बी बट ये पता अंदर से आ रहा है आई हैव टू डू इट एंड आई कैंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग इट तो आई थिंक पहला डिसीजन हमेशा बहुत टफ रहेगा आई थिंक दट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो क्योंकि एंड हमेशा तुम पोस्टपोन करते रहोगे कि बाद में करेंगे पर वो बाद में कभी आता नहीं है एंड uh, जब है मन में तो कर लेना चाहिए एंड देन यू विल नेवर रिग्रेट इट क्योंकि जब मैं वापस आया बैग पैक करके इट वॉज एक्चुअली द टफेस्ट टाइम इन माई लाइफ क्योंकि वैन आई केम बैक आफ्टर बैक पैकिंग सिक्स मंथ्स मेरे पूरा ऑविय सेविंग्स जो उस टाइम तक का था वो सब चला गया था इस ट्रिप पर फिर जब मैं वापस आया तो लीमन ब्रदर्स हैट क्रैश्ड यू एस में वापस आया मैं सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एट में सेम डे लिमन ब्रदर्स हैट क्रैश्ड एंड एज अ रिजल्ट कोई जॉब्स नहीं अवेलेबल थे सो वेन आई स्टार्टड टू अप्लाई आई हैड नो जॉब्स नो मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन दो तीन महीने में अपनी सिस्टर के काउच पर रहा लिविंग यू नो उसके घर में लिविंग ड्राॅइंग रूम में मैं काउच पर सोता था रात को जॉब्स के लिए अपलाई करता था बहुत टफ टाइम था टू फाइंड अब तो इन अ वे बहुत फायदा हुआ उसका भी इन दिस दिस दिस, क्योंकि एक तरीके से मैंने अपना लाइफ का वर्स के सिनारियो देख लिया कि जब ये क्रिएटिव uh, लीप वगैरह लेके आऊँगा और लाइक uh, like एकदम खत्म हो जाएगी लाइफ बट फिर दो तीन महीने में जॉब मिल जाता है उसके बाद यू ना हो तो फिर द पॉइंट इज कि मतलब बिना डरे अगर बहुत अंदर से इंस्टेंट है तो कर लेना चाहिए यू रिकवर ओके

फिर कॉपरेट लाइफ में वापस आया एक्चुअली बिकॉज ऑफ द बैक पैकिंग एंड ऑल माइंड हैड एक्सपैंडेड आई स्टार्ट टू डू क्वाइट वेल अच्छा करने लगा उसके बाद फिर से और उस टाइम पे मैं बहुत डरा हुआ था कि दोबारा ये ऐसे डिसीजनस नहीं लूँगा uh, अब, 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 अब 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 सीधा रहना है सीधा रहना है बट देन समथिंग स्ट्रेंज स्टार्टेड टू हैपन वो जब मैं था डिसीजन uh, लिया तब माई मदर्स हैड कैंसर इमीजिएटली जब मैं वापस आया बैक हैड कैंसर and she had a very very bad decline which cancer was it? she had ureter cancer and it spread all over her body and she was 54 that time mm -hmm. teen sal chala 54 to 57 54 means very young like uh, obviously तो mm -hmm. and I saw her very closely her body decline and she was a very tall proud woman and like she became really her body really declined to तब जो भी मेरा ये योगा बुद्धिज्म वगैरह में इंटरेस्ट था वो बहुत एक्सट्रीम हो गया तो फिर मुझे लगा कि i really want to understand uh, like why is a human born if this is the meaning of life to suffer like this like birth ka reason kya hai death ka reason kya hai very spiritual questions jo us time pe the wo bahut zyada forefront pe aaye तब मैंने अपना मैं craft में था US made अच्छा कर रहा था director वगैरह बन गया था Craft yeah. is that वो चीज वगैरह जो बनाते हैं या, या वो मॉन्डलीज क्राफ्ट मॉन्डलीज जो Cadbury craft Cadbury वहाँ तो

उनकी पासिंग अवे से ऑब्वियसली वो वेरी सैड एंड बट यू कैंड ऑफ आपने पूरा मतलब जैसे दुनिया को ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया exactly. कि ये सब क्या है yeah. कि मतलब क्यों जो लाइक ये पूरा का पूरा ह्यूमन स्ट्राइफ का फ़ायदा क्या है जैसे हम लोग एक मिनट बात कर रहे थे कि कंपनी होगी उसमें नाम होगा तुम्हारे मतलब सब का फायदा क्या है जब एंड ऐसा होता है बिकॉज जब पर्सनली तुम देखते हो अपनी मदर को एकदम यू नो एक स्केलेटन बनते हुए सामने आई वॉज वेरी क्लोज टू हर एंड आई कोंट स्टॉप कुछ यू कॉट इट सो उससे मुझे लगा कि यू नो दिट लाइक बर्थ सफरिंग डेथ आई टू गेट टू दिस्ट्रीस इनल इतना कहा कि मैं जॉब ही छोड़ दूंगा और मतलब एकदम ऑलमोस्ट एक योगी साधु टाइप ही बन जाऊंगा मतलब ऑबियसली मेरे दिमाग में एक था कि नहीं बनूंगा पूरी तरह योगी और साधु मतलब बट मुझे था कि मुझे एक्सप्लोर करना है डीपली बहुत जॉब बिकॉज आप बुक्स तो शाम को घर आके भी पढ़ सकते हो करेक्ट करेक्ट मुझे बहुत सुपरफिशियल लग रहा था सब कुछ मुझे लग रहा था कि क्राफ्ट uh, में डायरेक्टर हूँ वहाँ पे जाके मार्केटिंग कर रहा हूँ लाइक like, uh, बहुत लग रहा था कि ये तो बहुत सुपरफिशियल लाइक दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ लाइफ एट ऑल एंड थोड़ा बहुत योगा स्टार्टेड लर्निंग योगा ऑन द साइड एंड थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था साइड पे बट मुझे लग रहा था कि वही सेम प्रॉब्लम जो पहले लग रहा था कि अगर इस इस पाथ पे चलता रहा तो कोई भी रियल इनसाइट के लिए बहुत 20-25 साल और लग जाएंगे सो कैन आई डेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ पैरल टू अस, सो मे बी अ फ्यू ईयर्स हेड ऑफ़ यू आम एज एंड एवरी थिंग लाइक राइट तो मैं भी एक बैंक में काम कर रहा था हांगकॉन्ग में एंड वहाँ पे एक ऑफिस के पास ही यू कैन से एक योगा स्टूडियो खुला था प्योर योगा अभी भी इट्स अ वेरी बिग चेंज इन हांगकॉन्ग एंड इट्स देर इन सिंगापुर अदर प्लेज ऑल्सो एन आई वॉज वन ऑफ़ द अर्ली स्टूडेंट्स They used to do this hot yoga very tough yoga huh? and uh, it was like a workout only and uh, i was very drawn to it uh, nothing tragic happened to me but i really i, I, I don't know i was trying to see if i can take a sabbatical and go to um, uh, i remember ashtanga yoga uh -huh. to, in mysore padabhi joyce i wanted to go there and do it and i also started feeling ki ye kya hai. ये बैंकिंग एंड बैंकिंग इज फुल ऑफ मनी एंड बोनस एंड ऑल दैट एंड आई स्टार्ट राइटिंग माई फर्स्ट बुक थ्रू दैट योगा अगर वो बुक ना आती क्योंकि बहुत बार रिजेक्ट भी हुई थी और अगर वो बुक ना चलती और अगर वो ना होती जर्नी शायद मैं बैंकिंग थोड़े साथ में छोड़ के पूरा योगा वाले साइड में मे बी वुड ओपन योगा स्टूडियो मतलब इतना स्लाइटली डिफरेंट

Uh, एक तो मुझे मेटीरियलिज्म इस एक टाइप पे बहुत ज़्यादा वेरी सिमिलर टू यू जो आप बोल रहे हो कि बैंकिंग बोनसज वगैरह मुझे लाइक like, उतना उतनाली आई वज नॉट इन बैंकिंग एंड ऑल तो उतना ज़्यादा एक्सट्रीम मेटीरियल नहीं था बट एक तो आई वॉन्ट टू शाइन मेटेरियलिज्म तो मैंने डिसाइड करा था कि यूरोप टू इंडिया बाई रोड आई विल गो फ्राम यूरोप टू इंडिया बाई रोड सो स्कॉटलैंड से स्टार्ट करके आई केम टू इंडिया बाई कार में नहीं नहीं लाइक चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला डिसीजन था तो बेसिकली विद जस्ट अ बैकपैक बसेज बोट्स मतलब जह, जहाँ पे पानी आ गया वहाँ पर बोट से क्रॉस करा वैसे टाइप का तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हॉस्टल्स वगैरह में रह के फ्राम यूरोप टू इंडिया बाई रोड यू कैन कम टिल तो बेसिकली यू कैन योर मैं मैंने करा स्कॉटलैंड से लेके टर्की तक बाई रोड स्कॉटलैंड से टर्की बाई रोड एंड देन उसके बाद टर्की से थोड़ा ओशन क्रॉसिंग करा और फिर उसके बाद इन, इंडिया आया तो इधर करके टर्की से कहाँ आते तो? तो, तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट रूट था कि टर्की के बाद मैंने एजबरजियन और चाइना के थ्रू जाके इंडिया आया तो थोड़ा रिट्रेस करा स्टेप्स और फिर चाइना से एजबरजियन जाके इंडिया आया तो बेसिकली उस टाइम पर तो वीज़ा वीज़ा कंस्ट्रेंट रूट सेटअप करा मैंने there's a lot of visas कम थे उस टाइम पर जहां पे भी कम वीजा से चाइना का वीजा लेना पड़ा तुर्की उस टाइम पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन स्कॉन एंट्री वीजा मिल रहा था यूरोप के लिए एक वीजा लेना था बल्गेरिया में वीजा की जरूरत नहीं थी तो ऐसे करके आई जस्ट डिजाइन द रूट तो बाय बेसिकली ज्यादा ज्यादा डिजाइन नहीं मतलब इट वाज वेरी आई वाज रियली बाय जस्ट काइंड ऑफ लाइक गोइंग एंड लाइक मतलब आई वाज जस्ट गोइंग विद द बेसिकली या तो यू वांटेड योर मदर पास्ट मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं

किसी भी सिटी में चार दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए किसी भी टाउन में दो दिन से ज्यादा रहनी चाहिए और विलेज में एक दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए और oh, really? ज़्यादा देर रहोगे तो अटैचमेंट्स बढ़ते हैं तो पहले बारह साल भटकते रहना चाहिए ऐसा ही नॉन अटैचमेंट वे नॉन अटैचमेंट कि कहीं पर भी ज़्यादा देर नहीं रहूंगा भटकता रहूंगा एंड देन वो एक स्टॉइक प्रिंसिपल था विलफुल पॉवर्टी कि इफ यू एक्सपीरियंस इफ यू पुश योर सिर्फ टू एक्सपीरियंस दिस विलफुल पॉवर्टी दिस आइडिया ऑफ लिविंग विद वेरी लिटिल

हजार आठ सौ किलोमीटर का देर इज रोड पे पिलग्रम जाते हैं वर्ल्ड तो मैंने आठ सौ किलोमीटर पैदल करा फॉर ओवर थर्टी डेज हर रोज अपनी ट्रिप भी अकेले यूरोप टू तो इंडिया यूरोप टू इंडिया विद माई गर्ल फ्रेंड जो अभी हाँ तो फिर मैं शिवानंदा आश्रम है साउथ में मदुर, मदुराई में करा नैडा में उनका काफी बड़ा सेंटर है वहाँ पर मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग करा फॉर अबाउट फोर टू सिक्स वीक्स एंड रेली लर्ंट योगा फ्रॉम द फाउंडेशन उसी आश्रम में रहा काफी टाइम के, so के लिए था उसके बाद आई थिंक टेक्स्ट आई थिंक आई गॉट क्लियर एंड क्लियर एंड क्लियर एंड क्लियर तो आई थिंक इट गॉट बेटर एंड बेटर या

उसका इफेक्ट क्या होता है एक्चुअली पहले बताता हूँ योगा टीचर्स ट्रेनिंग क्योंकि वो काफ़ी सिमिलर है क्योंकि वो आपने भी काफ़ी करा था वो सिक्स वी फोर वीक्स का फुल आश्रम में इंटेंसिव सुबह पाँच बजे से लेकर रात को दस बजे तक बेसिकली सत्संग योगा थ्योरी दो योगा का अनाटमी क्लासेज ऑल ऑफ दैट स्टफ तो वो भगवद गीता वगैरह रहता है वो वॉज़ वेरी ट्रांसफॉर्मिंग क्योंकि वो अट्ठाईस दिन के बाद आ, कुछ हिल जाता है सिस्टम में तो उसके बाद जैसे ही मैं बाहर आया क्या हेल्थ लाइक like, हुआ ये कि लाइक like, uh, जैसे आई केम आउट ऑफ योगा टीचर ट्रेनिंग आई नेवर टच नॉन वेजिटेरियन फूड अगेन अपनी लाइफ में कैफीन कॉफी कभी दोबारा टच नहीं करी जबकि कोई ऐसा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल नहीं था जस्ट योर बॉडी ओवर दैट वन मंथ ऑफ एक्सट्रीम योगा प्रैक्टिस एंड क्लीन डाइट कुछ ऐसा शिफ्ट होता है कि यू आर लाइक यू नो यू गेट वेरी क्लियर कि हर एक आइटम जो बॉडी में डाल रहे हो उसका क्या इफेक्ट होता है माइंड पे तो आई कु जस्ट नोटिस सटली कि कैसे रात को नींद ठीक नहीं आती जब ये करता हूँ लाइटनेस नहीं फील होती प्रोडक्टिविटी लाइक यू नो एनर्जी डजन फ्लो वेन आई ईट दिस सो आई थिंक उसके बाद काफ़ी कुछ चला गया डाइट से बहुत सिम्प्लीफाई हो गया लाइफ इन तरीके से and that really helped me. Recommend लोग है, मुझे मे, मेरा तो पर्सनल बिलीफ है कि लाइक नॉट नॉट आउट ऑफ ऑलमोस्ट इट्स नॉट स्पिरिचुअल बिलीफ एज मच एज इट्स प्रोडक्टिविटी बिलीफ ऑलमोस्ट कि फॉर मी लास्ट टेन ईयर्स हैज़ बीन वेरी गुड प्रोडक्टिवली इफ आई थिंक ऑफ माई क्रिएटिव आउटपुट स्टार्टअप्स नॉवल्स बुक्स एड सेक्टर इज रियली ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर लाइक कटिंग यू नो लाइक बिकमिंग अ वेजिटेरियन फुल्ली तो वो एक महीने के अंदर आई थिंक आई रेली एक्सपीरियंस दैट इफेक्ट उसके बाद फिर मैंने ये विपासना करा विपासना इज़ वेरी रिगरस क्योंकि वो सुबह अगेन चार बजे से उठते हैं और उसके बाद ऑलमोस्ट पूरा दिन लगातार विद स्मॉल ब्रेक्स इन द मिडल यू लर्न मेडिटेशन इन अ वेरी ऑफ स्ट्रक्चर्ड वे एंड यू कॉन्ट स्लैक मतलब सुबह चार से चार बजे वो एक गोंग लगा के उठा देते हैं एंड देन you have to keep going not talk you cannot talk, talk for 9 out of the 10 ten days 10th day if they break the noble silence sorry amon vrat ko 10th day pe break karte ho but 9th day you can't even exchange glances with anybody you can't just jaise wo oh, udar aur and or, no, or more importantly you can't read you can't read, can't read bilkul uh, right read nahi kar sakte write nahi no jogging exercise nothing bas uh, uh, just be with yourself 18 hours के अंदर almost i would say 6 hours ka sleep 14 ghante mein 14 hours of meditation morning से रात को.

हमेशा एक एजिटेशन एंड ऑब्सेसिवनेस रहेगा सो so यू अभी क्या होता है कि अगर लाइक यू कैन इमीजिएटली डिस्ट्रैक्ट योर विद समथिंग लाइक यू नो लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमारा पूरा जाए। like, जाए। like, मुझे लगता है कि द लाइक अ डे जैसे दिन स्टार्ट होता है ना इट स्टार्ट्स विद द फीलिंग ऑफ लैक कि कुछ कमी है वो पूरी करनी है तो मतलब यू you नो know, ये ये अचीव करना है ये करना है uh, यहाँ जाना है यू नो यू स्टार्ट द डे विद द फीलिंग कि कंप्लीट नहीं हूँ कुछ चाहिए टू कम्प्लीट माई सेल्फ

यू you नो know, ये बोलूँगा किसी को वो बोलूँगा उसने मुझे ये कहा मुझे बुरा लगा उसको मैं वापस ये करना उस टाइम पर मुझे ये बोलना चाहिए था यू नो लाइक तो पूरा टाइम यू रिलाइज़ कि पूरा डेंग एक ऑबसेसिव कुछ ना कुछ लगता है हमेशा कमी है एक ऑबसेसि नेचर ऑफ थॉट पास्ट इंसिडेंट्स फ्यूचर इन फ्यूचर प्लानिंग पूरा टाइम ये चलता रहता है उस टाइम में मैं सोचा था कि मेरे नावल में ये प्लान होना चाहिए फिर ये नावल लिखूंगा और वो बहुत बड़ा सक्सेस होगा यू नो यू स्टार्ट टू रियलाइज़ की कितना ऑबसेसिवली माइंड यू you नो know, चीज़ें बनाता रहता है एंड देन द हर रात को एक घंटे का थ्योरी सेशन होता है सो दैट काइंड ऑफ हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि ये इट्स अ नेचर ऑफ द माइंड एंड हाउ टू जस्ट ऑब्जर्व द थाट विदाउट रिएक्टिंग टू इट एंड वो बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि अगेन आई वॉज नेवर परफेक्ट आफ्टर दैट ऑल्सो काफी बट रियली uh, really एक देर इज़ अ स्मॉल पॉज दैट कम्स बिटवीन यूर एक्शन एंड रिएक्शन वो पूरी लाइफ रहता है कि एक छोटा सा पॉज आ जाता है बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि लाइक like, ये एक तरीके से एक ऑब्सेसिव नेचर है माइंड का जिसके वजह से तुम रिएक्ट करते जा रहे हो हर चीज़ के लिए मैंने सुना मैं जानता हूँ अक्षय किसी को कि जो गए थे पास ना और एक दो दिन में उनका मतलब दिमाग में ऐसे हो रहे हैं दिमाग मतलब बहाने ढूंढ रहा है कि यहाँ से भागो तो कहते हैं कि ऐसे ठंड है नहीं पर ऐसे लग रहा है बहुत ठंड है यहाँ अरे मेरा कंबल गीला है अरे ये मतलब कुछ भी करके मैं जाके मेरे को बहाना मिल जाए टू ऐसा कुछ हो सकता है वो कहते हैं कि दूसरा दिन सिक्स डे वो सबसे ज्यादा टॉर्चरस होता है क्या होता है दूसरे दिन में मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा मन करता है कि भाग जाओ यू you नो know, भाग जाओ मतलब तो निकल जाओ यहाँ से एकदम बिकॉज ये एकदम ही लाइक यू कॉन्ट लिव विद टॉर्च ऐसा लगता है एकदम टॉर्चर में रह रहे हो क्योंकि पूरा दिन तुम बस मेडिटेट कर रहे हो बैक स्ट्रेट फिजिकल पेन होता है माइंड इज गोइंग ऑब्सेसिव सो दूसरे दिन पे मन करता है कि निकल जाओ एंड देन uh, फिर किसी तरह यू गेट ओवर इट एंड देन सिक्स डे पे लगता है कि बहुत हो गया काफ़ी जो सीखना था सीख लिया अब निकल जाते हैं तो वो दो आई थिंक ट्रांजेक्शन होते हैं पीपल गो थ्रू डिफरेंट थिंग्स एंड पार्ट ऑफ द रीजन एक्चुअली लोग साइल साइलेंस के लिए वो इतना इंसिस्ट आई थिंक दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं विपासना के फर्स्ट साइलेंस इसलिए क्योंकि तुम अगर किसी और का सुनो कि मुझे लाइट्स दिखने लग गए या मेरा कंबल गीला हो गया और वट एवर तो तुम्हें लगता है कि मेरा शायद मेडिटेशन पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे साथ ये स्परिचुअल एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं तो इसलिए इट्स अ गुड थिंग कंपेरिजन नहीं होता है दूसरा द फ्री विपासना इज़ फुल्ली फ्री रहने की जगह देते हैं खाना फ्री देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि

मेरा जो पहला वासना था वो आई एम के बाद आई वॉज ट्वेंटी थ्री इर्ज ओल्ड जब मैं बिफोर जॉइनिंग ज्वाइनिंग एंड कैम्पल तब मैं गया था विपासना करने विदाउट एनी स्परिचुअल इंक्लिनेशन एट ऑल जस्ट एज एन एक्सपीरियंस मैंने करा था उसके बाद मैंने दस साल एक्चुअली आई नाइदर मैंने प्रैक्टिस करा नॉर मैंने दोबारा विपासना का टेंडे रिट्रीट करा बट एक तरीके से एक सीड आ गया था दिमाग में ऑफ आस्किंग कि यू नो द नेचर ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द माइंड तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ता रहा दस साल तक फर्स्ट एक्सपीरियंस है करा था ट्वेंटी पहले आई एम के बाद और उसके बाद मैंने जब ये सेबैटिकल लिया था तो योगा टीचर्स ट्रेनिंग के बाद लगातार दो बार करा मैंने बैक टू बैक टेन डेज ट्वेंटी

यू you नो know, इसी पात पे रहूँगा योगा मेडिटेशन के पात पे रहूँगा और डीपली मतलब यू नो साधु टाइप योगा टाइप लाइक यू नो रैली पूरा टाइम यही करूँगा बट वो साल में ये बहुत बड़ा है वो जो मैं धर्मा का बोल रहा था वो 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 इंक्लेशन केम वेरी क्लियर कि ये मेरा पात नहीं है सो आई हैव टू बी इन द वर्ल्ड कीप क्रिएटिंग थिंग्स मतलब कुछ बनाता रहूँगा एंड दैट्स माई पाथ तो उसके बाद आई केम बैक क्वाइट सेटिस्फाइड एक्चुअली या कि मतलब माई पाथ इज़ इन द वर्ल्ड वाह सो दी दिस क्लैरिटी इनफैक्ट कई बार हम लोगों को भी कहते हैं अपना पैशन फॉलो करो अपना कॉलिंग फॉलो करो लोग कहते हैं सर हमें पता ही नहीं है हमें पता ही नहीं हमारा पैशन क्या कई लोग लक्की होते हैं आपको पता था आपको राइटिंग करनी है हमें तो पता ही नहीं तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस आई थिंक यू हेल्प फिगर आउट कि क्या आपको करना है या एटलीस्ट ये तो पता लगा कि क्या नहीं करना है तो कैसे अगर कोई यंग पर्सन है वो कैसे पता कर सकता है कि उसका क्या इस, उसका द, जैसे आप स्पिरिचुअली पुट करें उसका धर्मा क्या है इस इस दुनिया दुनिया में में वो में क्यों आया है उसका क्या पर्पस है वो क्यों आया वो कैसे द स्टेप्स टू फाइंड दैट आउट वो कहते हैं ना कि एक्शन लीड्स टू इन्फॉर्मेशन मतलब जितना अपने आप को पुश करोगे ये सब चीजें करोगे उतना अपने बारे में पता लगेगा एक, एक और अच्छा से मुझे लगता है कि ट्वेंटीज एंड थर्टीज में यू शुड से टू थिंग एंड फोटीज में यू शुड से नो टू एवरीथिंग इन अ वे यू नो इन अ वे क्या है कि ट्वेंटीज एंड थर्टीज में दैट्स अ टाइम यू आर गटिंग द इफॉमेशन टू फिगर आउट की आपका धर्म क्या है, आपका रियल कॉलिंग क्या है ऑब्वियसली सम पीपल आर आरफॉर्चुनेट की उन्हें पता है कि आपको राइटर बनना है बट पीपल लाइक मी आई मैंने एक नॉवल लिखा था बट आई न्यू कि ये पूरी तरह मेरा कॉलिंग नहीं है कि मुझे फुल टाइम एक नॉवलिस्ट बनना है योगा करके लाइक यू नो मुझे था कि हाँ इंटरेस्ट है मेरा बहुत ज़्यादा इस साइड में बट मुझे योगी नहीं बनना है फुल टाइम तो आई वॉज गेनिंग इफॉर्मेशन अबाउट माई माई सेल्फ बाई डूइंग अ लॉड ऑफ एक्शंस हर कुछ ना कुछ बस करता रहा फोर्टीज में जाके आई थिंक यू बिकम आई सेवरी मतलब यू आर यू गेट वेरी क्लियर कि दिस इज वॉट यूर मैं समटाइम्स यू गेट क्लियर कि दिस इज वॉट यूर मैं वर्ल्ड स्ट्रेंथ है इंटरसेक्शन अच्छा करते हो एंड देन यू शुड कट द डिस्ट्रेक्शन जर्नीय फुलर हाँ मैं पूरा वही यूरोप टू इंडिया बाय रोड आया रफली साढ़े तीन महीने वहाँ लगे होंगे तीन महीने तीन महीने लग गए बहुत टाइम लगता है आने में थोड़ा लगता है यार फिर थोड़ा तो रहोगे बिना कुछ करते काम थे हाँ भाई चलो तो यू नो मतलब वो ग्रीस से इटली गया मैं बाय फेरी पता नहीं अब तो याद भी नहीं है फिर वो एजबजियान वगैरह मतलब टाइम लग जाता है जस्ट टू गेट गेट इन फिर उसके बाद दो महीना योगा टीचर्स ट्रेनिंग और आश्रम वगैरह में रहा दो तीन महीने वा करा और उसके बाद वापस जाते हुए मैंने नॉवल अपना कंप्लीट करा पोर्चुगल में एक आर्टिस्ट रिट्रीट में अच्छा तो वहाँ पे एक आर्टिस्ट रिट्रीट है ओबरा लाइक छोटा सा एक विलेज में पोर्चुगल में तो वहाँ वापस आया एंड मैंने अपना नॉवल लिखा इस पीरियड के बारे में या ओके वापस आया, बहुत था कि, uh, मुझे 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 समझ आ गया था कि बिज़नेस uh, में मेरा है दिस इज माई धर्मा इन अ वे टू बी इन सम काइंड ऑफ बिजनेस एंड क्रिएटिविटी एंड लाइक बिजनेस एनालिटिक्स क्रिएटिविटी इसमें मेरा है बट जो पर्टिकुलर जॉब था क्राफ्ट का वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया क्योंकि जैसे मैं वापस आया थैंकफुली उस टाइम पे मैं लकी था कि मुझे वापस जॉब ने ले लिया आफ्टर द पीरियड अनलाइक द फर्स्ट टाइम जब कोई जॉब नहीं था इमिजिएटली अकॉर्डिंग टू द जॉब आई थॉट की ट्रांजेक्शन बैक विल बी सिंपलर बट आपकी बार प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो प्रोसेस्ड फूड का इंडस्ट्री है आई कौ डू इट एनी मोर बिकॉज माई होल डाइट एंड लाइफ एड क्लिनड अप अलॉट आफ्टर दिस वन ईयर मतलब आई वॉज अ वेजिटेरियन डिन ड्रिंक कॉफी डिंट ईट शुगर मच ब्रेड कट कर दिया अपने लाइफ से यू नो लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपन फिजिकली सो आई कुड नो लॉन्गर बी अन्ड ऑफ अ प्रोफेशनल इन दैट फील्ड तो फिर वो एक रेस्टलेसनेस मेरा स्टार्ट हुआ कि, uh, कि क्या करूँगा तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम राइटिंग करूँगा एंड थोड़ा सा आपसे डिफरेंट जर्नी ये था कि आपका बहुत जल्दी विच आई थिंक इज वेरी एडमेरेबल कि आपका एक था कि आपकी राइटिंग के थ्रू यूल कॉज अ लॉट ऑफ सोशल इम्पैक्ट विच आई थिंक इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर मी राइटिंग वॉज अ लिल बिट ऑफ अ चैलेंज इंटरनल क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस फॉर माई सेल्फ सो आई देन डिसाइड इड कि आई हैव टू रेली पब्लिश इन द यू एस एंड इन द वर्ल्ड एंड सी की आई कैन write as well as the best writers in the world that i should be able to write as well as like jd salinger or people uh, catcher in the rye jo novels maine padhi hain utna killer mockingbird bird mujhe us level pe apni writing pahunchani otherwise i won't be able to say ki i'm truly a writer to phir maine decide kara ki main full time writing karunga वापस आकर तो एक और sabbatical type का लिया एक और छुट्टी एक और छुट्टी होता दो तीन साल का it's really का hard to be your employer हाँ

काफ़ी पेनफुल था वो क्योंकि मैं आया वापस आई डिड माई जॉब वेरी वेल क्राफ्ट के साथ आई लाइक यू नो रैन अ वेरी बिग बिजनेस फॉर देम ग्लोबली वेरी वेल विद दैट एंड देन उसके बाद आई कौ डू इट एनी मोर तो तब मैडे राइटर एंड सेट अ गोल फॉर माई सेल्फ बी ट्रूली अ वर्ल्ड क्लास बुक उस टाइम पे मेरा आपकी तरह जो आपका पहली बुक के साथ हुआ था आई वॉज रिजेक्टेड एवरी एजेंट एंड पब्लिशर इन दू एस बिकॉज आई वॉज बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं बात नहीं बन रही जॉब के लिए अप्लाई कर yeah. रहे हैं हाँ किसी ने कहा था करो जॉब लाइक बट रिजेक्ट हुए जा रहे हैं लिंकड पे भेजे जा रहे हैं लोगों को हाउ डजनवाइव दैट फेज ऑफ लाइफ उस टाइम पर माई फर्स्ट वॉज बॉर्न Uh, so, I was 35 years old. Uh, we, my wife, uh, girlfriend, we had just gotten married after this like yoga ashram phase. We both came together, S still strong, surprisingly. You know, it's not deeply, it's and you can survive it is a big thing. So, we came back, Uske baad hum log ne kara, and then I had my first kid He uh, at 35. And I was like a writer in New York. This like, you know, <laughs> stereotype. classic stereotype of struggling writer in New York with.

ये आउटपुट मेरे कंट्रोल में नहीं है बट इनपुट मेरे कंट्रोल में है हर रोज सुबह हंड्रेड परसेंट अपना एनर्जी देना इनपुट को लाइक like एंड बस वो एंड आई आई थिंक दैट प्रिंसिपल रियली हेल्प स्टार्टअप के टाइम पे भी की बहुत शोर श्योर चलता रहेगा बट इनपुट पे हंड्रेड परसेंट एनर्जी इज़ द ओनली गिफ्ट आई ओ लाइफ एवरी डे तो मैं बस हर रोज अपना इनपुट पे डालता रहता था फोकस कि बेटर करूंगा बेटर करूँगा बेटर करूँगा तो अबाउट एटीन मंथ्स तक अबाउट सिक्सटी वन रिजेक्शन सिक्सटी वन रिजेक्शन के बाद फाइनली जाके एक एजेंट ने अप द नावल हु दैन वो फिर जल्दी से दे सोल्ड इट टू रैंडम हाउस वर्ल्ड वाइड फॉर अ गुड डील इन द इन द यू एस एंड वो नावल फिर मेरा पब्लिश हुआ था सीकर एंड इट डिड वेरी बैडली तो नावल जो इंडिया में पब्लिश हुए थे एक्चुअली दे बोथ सोल्ड नॉट टू योर लेवल बट एटी हंड्रेड थाउजेंड कॉपीज टाइप का अच्छा लेवल पे था एंड देन ये वाला वर्ल्ड वाइड पब्लिश हो भी आई थिंक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कॉपीज टाइप कुछ हुआ था और उसके बाद दे पल्प टि पल्प मतलब वो जब पल्प में कन्वर्ट करते हैं वो लोग वैन द बुक सेल it was a very bad uh, like uh, I, I didn't succeed at all as a writer, yeah okay there yeah. how was that uh, felt very bad because ki this will be my path now ki I'll be creative and writing karunga artist retreat karunga like you know artistral world may contribute karunga that's why I'm saying twenties and thirties is all about saying yes to everything, so I was saying yes to now being an artist and how did you deal with this massive failure um, I was saying... um द गु थिंग इसलिए तब तक मेरा एक प्रिंसिपल वो बन गया था कि यू नो द ओनली गिफ्ट इन लाइफ इज टू गिव हंड्रेड परसेंट ऑफ द एनर्जी टू द इनपुट एंड आउटपुट पर ज्यादा कंट्रोल है नहीं और सोचो मत ज्यादा वै वज ट्रू ली दट सो जिस दिन वो नॉवल पल्प हुआ मुझे समझ <laughs> आ गया कि ऑब्वियसली फ्यूचर नहीं है इस, इस फील्ड में मेरा आई लुक स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब एंड द गुड थिंग नाउ विद ऑल दीज एक्सपीरियंसिस आई फेल्ट इज की जो अभी जाके लर्निंग अंडरस्टैंडिंग हुई है कि वैन यू आर ग्रोइंग अ लॉट एज अ पर्सन इवेंचुअली मैंने देखा है द वर्ल्ड विल रिवॉर्ड यू फॉर दैट ग्रोथ एंड लाइक सिस्टम्स ना इन एफिशियंट होते हैं शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा एफिशियंट होते हैं तो अगर तुम बस एक, एक ही जॉब में थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हो हर रोज द वर्ल्ड विल नॉट रिवॉर्ड यू एज हाईली एज इफ यू आर रियली थ्रस्टिंग योर सेल्फ इन टू द मिडिल ऑफ लाइफ टू कीप ग्रोइंग एज अ ह्यूमन बींग सो आई थिंक मैं लाइक आई वॉज जस्ट थ्रस्टिंग माई सेल्फ इन टू द वर्ल्ड की जस्ट चैलेंजिंग माई सेल्फ किया टाइम राइटिंग करूंगा फुल टाइम योग वो बाद में जाकर वो डॉट स्किप्ड कनेक्टिंग नाउ डिस्कवरी वॉज लुकिंग फॉर अ हेड फॉर इंडिया सी ओ फॉर इंडिया फॉर चैनल कवरी चैनल उनका पूरा नेटवर्क डिस्कवरी एनिमल प्लान किड्स एक्सेट्रा वो ऑलमोस्ट आई थिंक अठारह महीने से दे वर लुकिंग फॉर अ इंडिविजुअुअल समन लाइक यू जिसका एक बिजनेस एक्सपीरियंस है स्ट्रॉग और क्रिएटिव एक्सपीरियंस है स्ट्रॉग बिकॉज दे वॉन्टेड टू डू ओरिजिनल कॉन्टेंट इन इंडिया तब तक उन्होंने सिर्फ फॉरिन कॉन्टेंट करा था इंडिया में सो so उनका वो था तो दे कु हार्डली फाइंड एनी बडी जो दोनों चीज़ें हैं जिसका बिजनेस करियर भी स्ट्रॉन्ग था और क्रिएटिव करियर भी स्ट्रांग था सो देन सडनली मुझे आई थिंक विद इन अ मंथ

अरे यार इसका तो इसकी तो निकल पड़ी इसने ऐसे एक दिन बैठे बैठे वाइट जूनियर खोल दिया और वो चल पड़ा और उसने बाई जूनियर खरीद लिया ऐसे तो इट इट्स नेवर लाइक दैट स्टोरी तो वो जो फाइनल अठारह महीने थे मे बी दे वर वेरी फास्ट पर उन अठारह महीने के लिए चालीस साल की एक कहानी थी पीछे उसके तो आपने डिस्कवरी का किया उस टाइम तक था आपको कि मैं एक दिन अपनी कंपनी खोलूँगा उस टाइम पर नहीं था आई थिंक ये था कि आर्टिस्ट रिट्रीट बनाऊंगा अपना वैसे टाइप का था तब तक लाइक आपका मतलब आर्टिस्ट रिट्रीट हाँ, पास वैसे ना वैसे वो सब आपका है अभी अभी भी आप गोवा में रहते हो आई थिंक वो है आपका प्रेंगा। एक साइड ऑफ यू विच इज दिया दैट होल स्पिरिचुअल क्रिएटिव आइडियल वर्ल्ड से मतलब ऐसे थोड़ा वो मतलब ये पूंजीवाद कैपिटलिज्म इज ऑल्सो देयर राइट सो ओके एंड देन डिस्कवरी से वाइट हेट हाउ इट डिस्कवरी करा वही डिड लाइक बहुत काम करा उधर लाइक आई वांटेड टू रियली आई आई वाज रियली बिलीव्ड मिशन ऑफ डिस्कवरी रियली ओपन विंडोज ऑफ न्यू वर्ल्ड्स टू पीपल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बिलीव था डिस्कवरी का उस उसमें एंड बहुत कोशिश करी इंडिया में उसको एक्सपैंड करने का एंड लाइक सम सक्सेज सम फेलियर्स बट काफ़ी कोशिश करी देन एक लाइक एज अ सेड लाइक ए दवरी जर्नी एक लॉजिकल एंड होता है लाइक अनलाइक यू मैं दोबारा नॉवल नहीं लिखा आफ्टर दैट पीरियड बिकॉज आई फेल्ट कि जो एक लॉजिकल एंड है अपने टैलेंट का रीच थ्रू द थर्ड नॉवल उससे पहले था कि काफ़ी कुछ करना है उसके बाद आई नेवर डिसाइड नेवर टू राइट नॉवल अगेन सिमिलरली उस टाइम पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि कॉपरेट जर्नी का मेरा लॉजिकल एंड है ये आई वॉज डिस्कवर इंडिया हैड हेड एंड वेल बट यू एस में जाके लाइक यू नो उस टाइम पर वो ऑफर आ रहा था कि यूरोप में हड करो कॉन्टेंट डिस्कवरी का एंड ऑल बट आई वॉज लाइक की दैट्स नॉट माई पाथ कांड ऑफ अ थिंग सो देन आई न्यू की सो देन आई थिंक ये दैट्स अ थिंग ये राइटिंग से एक्चुअली बहुत इंस्पायर था मैं कि लाइक आई फेल्ट की माई लाइफ रेली चेंज आफ्टर राइटिंग द फर्स्ट नावल पहला नावल लिखा तो एक तरीके से पूरा जो लाइफ का लर्निंग्स था उस नावल में कैप्चर करा फिर तो 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 आई ऑलवेज थाट कि आई शुड हैव क्रिएटेड माई फर्स्ट नॉवल अर्ली या फर्स्ट अपना क्रिएशन अर्ली करना चाहिए था चाहे नॉवल हो या यूट्यूब चैनल हो या जो भी कुछ करना था वो पहले करना चाहिए था तो मुझे लग रहा था कि बच्चों को बच्चों को माई किड्स दे शुड क्रिएट अर्ली तो होल आइडिया वाइट है जूनियर ये था कि

Uh, after the acquisition. Prior to the acquisition, there was no TV marketing, there was no ad, like it was all growing organically. So Whitehead Jr. grew from uh, basically zero to $100 million of revenue roughly, 700 crore ka revenue, uh, sorry. Uh, revenue in about 18 months. And uh, uh, from basically zero users to 250,000 active users daily all across the world. And 15,000 uh, pandra so, pandra teachers, uh, like, you know, so all all 18 months, completely 70% of user came through referral. People telling other people because obviously we did, uh, like I'd raised only, just to give a sense, I raised 70 First uh, funding raise was 6 crores, one, uh, $1. $1.3 million, uh, 10 crores. And the next one was $10 million.

आई डेंट लेन हंड्रेड क्रिएटिव इन सोशल मीडिया सो में उसके अंदर से पाँच या सात क्रिएटिव को लेके यू नो द इतना ज़्यादा नॉइज की कंपनी ऐसी है, वैसी है। बात बताने नहीं लगी so, मेरे कम से कम बीस हज़ार ट्वीट किए हैं पर उनमें से जो चार ट्वीट्स में मैं फंसा हूँ वो ऐसा फंसा हूँ कि लोग भूल गए कि उन्नीस हज़ार नौ सौ छियानवे ट्वीट की नॉर्मल थी, थी।, थी। sure, हाँ तो वो तो वो तो, तो फिर वो अब सात क्रिएटिव से कोई यू नो लाइक यू डोंट मेक से मतलब इट्स Now, should there have been seven errors? 100 नहीं होने चाहिए थे हंड्रेड परसेंट नहीं होने चाहिए थे कोई छे सात गलती नो बाइजूस no, का, 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 का कोई नहीं था आई थिंक वाइट हाँ बिल्कुल मतलब जब कंपनी ग्रो थी थिंक द बिगेस्ट थिंग जट है फाउंडर्स स्ट्रेंथम ये मेरा लर्निंग है क्योंकि होता यह की जो एक गुड फाउंड इमिडिएटली कवर फॉर देयर वीकनेस तो मैं अकेला फाउंडर था आई न्यू की मुझे टेक टीम बनानी है प्रोडक्ट टीम बनानी है बिकॉज यू नो लाइक आई डोंट नो टेक आई डोंट नो प्रोडक्ट आई ऑप्स का टीम बनाना है कस्टमर सर्विस जो चीज़ें मैंने पहले नहीं करी थी आई पुट वेरी गुड लीडर्स दे आर मार्केटिंग वॉज माई फोटे मैं पी एन जी में था क्राफ्ट में था जो भी बात करा तो आई थॉट कि वो बनाऊंगा टीम वो तो मैं खुद करूंगा बट जो फाउंडर होता है ही कैन नेवर एक्चुअली रन अ फंक्शन ऑन देर ओन बिकॉज फाउंडर इज़ बेसिकली वो थोड़ा अलग है फ्रॉम अ कॉपरेट जॉब वेर यू आर क्रिएटिंग द वील एवरी डे एंड ऑल्सो रनिंग दिल एवरी डे क्रिएटिंग द वील में इतना टाइम जाता है दैट यू कॉन् रन द वील सो यू हव टू सेट पीपल टू रन द वील मैंने मार्क टी मगर कभी हायर ही नहीं करा छोटे लाइक यू नो वो लाइक जो मतलब यू नो इंटर्न जूनियर मार्केटर्स जिससे चल रहा था काम एंड अच्छा मुझे मैं मैं डायरेक्ट कर रहा था मेरे हिसाब से मैं डायरेक्ट कर रहा था बट तो इट वॉज अ फ्री फॉर ऑल अ लिटल बेटर राइट जो जो बाद में ही करेक्ट कर पाया मैं तो जिसका मन था वो क्रिएटिव डाल रहा था जो उसको फनी लगता था कि यू नो एंड दैट वॉज द वे इट वॉज हैपनिंग

वही प्रोडक्ट था जो सत्तर अस्सी परसेंट लोग रेफर कर रहे हैं बिकॉज उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है टीचर्स का कि लाइक आई वुड से कि विच अदर कंपनी हैज लाइक आई वड से वेरी फ्यू अदर कंपनीज वुड हैव द अपर्चुनिटी टू ग्रो विदाउट स्पेंडिंग कैपिटल इन इंडिया जैसे आपको लाइक पता ही है कैपिटल कितना लगता है टू एक्वायर यूजर्स हैज सिंग सेवेंटी करोड था मैंने रेज करा था इलेवन मिलियन डॉलर फोर्टीन मिलियन वॉज इन द बैंक सो कंपनी वॉज ग्रोइंग कम्प्लीटली ऑर्गेनिकली बाई पीपल टेलिंग अदर पीपल सो फॉर दैट टू उसके बाद क्वेश्चन करना कि प्रोडक्ट डिलीवरी में टीचर्स का वो कमी है मतलब यू नो डेफिनेटली दे थिंग्स टू इम्प्रूव बट नथिंग आर चेंज बिफोर एंड आफ्टर द एक्विजिशन इफ एनी थिंग थिंगस आर गॉटन बटर बिकॉज आई हैव द फंडिंग टू यू नो गेट बेटर लीडर्स इन द कंपनी सो आई थिंक यू नो जैसे होता है आई थिंक द नॉइज वॉज वेरी हाई

विद 90% नाइनटी परसेंट फेलियर रेट यू डोंट स्टार्ट अ कंपनी थिंकिंग कि उससे ज्यादा पैसे बने वाले हैं जो तुम छोड़ के आ रहे हो यू डू इट बिकॉज यू रियली इट्स लाइक राइटिंग अ नावल वो मैं आपको पहले भी रहा था कि स्टार्टिंग अ कंपनी वेरी सिमिलर टू राइटिंग अ नावल यू स्टार्ट विद एन आइडिया दैट यू थिंक इज नीडिड इन द वर्ल्ड की यू नो दैट समबडी हैज़ टू डू दिस एंड यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि एक ब्लैक पेज को यू कैन कन्वर्ट इं टू अ थ्री हंड्रेड पेज बुक हर रोज आके कंपनी बहुत सिमिलर है यू डू इट बिकॉज यू बिलव इन द मिशन सो आई थिंक नथिंग चेंज्ड इन दैट द मिशन वॉज दैट

अभी मैंने वर्ल्ड कप फुटबॉल देखा तो जूस के लगे हुए हैं वहाँ तो भैया वर्ल्ड कप फाइनल में भाई जूस मैंने देखा वो गोल वो जो स्टेडियम के अराउंड जो सर्कल है उसमें सर्कम में ऑन द पिच ऑन द ग्राउंड तो वॉट हैपनिंग मतलब आई नो बैजू माई सेल्फ पर्सनली बिकॉज ऑब्वियसली वी इंटरेक्टेड फॉर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आई कैन टेल यू कि उनका इंटेग्रिटी इज़ वेरी वेरी हाई बैजू हिमसेल्फ इज इंटेग्रिटी And I'm saying that I have not, no interest in the company whatsoever or no stake in the company. I think his personal integrity is very high and I think I think he's a true there are two kind of people right like people like me who are connecting dots across multiple fields like you know his field field and then there are people who are just complete vertical passionate experts and Beju has a true vision Kivo how education is happening all around the world he wants to change it तो मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरा टेक ये है कि जो भी लोग कहते रहे लाइक आई थिंक ही एंडोर फॉर मेनी मेनी ईयर्स एंड एक्चुअली चेंज इन माई लाइफ टाइम हील चेंज हाउ एजुकेशन इज डन अराउंड द वर्ल्ड आई हैव ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस ऑन हिम बट आई थिंक अगेन ये सब यू नो द गोइंग इज गुड सब सब लोग आपके सपोर्ट करते हैं द गोइंग इज़ बैड दैन द सेम पीपल ये वही है सर ये वही मीडिया है जो आपको एवरी बीडीडी टर्नस अगेंस्ट यू तो आई थिंक वो ही इज गंग थ्रू अ नेगेटिव टाइम आई हैम वेल टू नो की ही इज़ अ पसन वुल एंड्योर हाँ ये भाई ये वही है कई फाउंडर्स को ये नहीं पता होता उनको जब मीडिया तारीफ करता है और मैगजीन कवर पे डालता है तो उनको लगता है ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मिल गए करेक्ट 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 और वही मीडिया आपको धोबी पटकता है exactly. उन आपको यूज करता है वो बिकॉज यू आर जस्ट न्यूज नो तो वो तो आपको चढ़ाई पर भी वो यूज करेगा और और ऊंचा चढ़ाएगा और अगर आप गिर रहे हो तो और लात मार के नीचे correct, गिराएगा करेक्ट करियर ऑल्सो द मिस्टेक्स आर ओवर ब्लोन

और चाहिए या कम ज्यादा वो सब हुआ था वेरी मिनिमल क्योंकि हम लोग का फर्स्ट कांटेक्ट था जून 15th के आसपास ऑफ दैट ईयर 2020 एंड द डील फुल ऑल पेपर वर्क क्लोज इन ऑगस्ट 3 वाओ सिक्स वीक्स में से सो दैट इंक्लूड्स ऑल द इन्वेस्टर्स दिस दैट कन्विंसिंग पेपर वर्क बोथ ऑगस्ट 3 वी अनाउंस द डील सो एवरीथिंग सो आई वुड से ऑलमोस्ट four weeks out of that six weeks was paperwork so i think we talked for like three times to negotiate if uh, whatever n minimal negotiation had to happen <laughs> i think more key uh, price was price a big negotiation no, thing uh, i think the bigger thing is about key retaining your independence and what the future looks like and and the teams and all that stuff and uh, yeah definitely price pay you, you talk but uh, थिंक इज की फॉर अ रेवन्यू जनरेटिंग कंपनी इट्स अ बिट इजियर लाइक वॉज जनरेटिंग हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिलियन डॉलर ऑफ रेवन्यू ऑन एन एनअल बेसिस दट टाइम सो इट्स अट ईजियर बिकॉज लाइक यू नो देर इज अ रेफरेंस सेट टू टॉक अबउट द प्राइस एंड लाइक देर वॉज दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैटन ड्यूइंग दैट योगा इससे भी कुछ तो फर्क पड़ा होगा आपको कि ओ ओके नॉट ओनली यू गॉट द मनी यू ऑल्सो लेफ्ट वाइट हार्ट मतलब yeah. एक तरह से आप जो कर रहे थे वो आपने yeah. छोड़ दिया वाज इट हार्ड टू लीव इट इट वाज वेरी हार्ड टू लीव इट आफ्टर वन ईयर ऑफ द एक्विजिशन सो आई डिड वन फुल ईयर ऑफ द एक्विजिशन अपना बच्चा बेचने की बात correct, है ना exactly. पैसे yeah, या या करेक्ट 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 एंड देन एवरीथिंग यू नो लाइक दैट कम्स विद दैट ईयर लॉट ऑफ पीपल डोंट लीव लाइक दे दे तो you know, like, uh, yeah. like, मतलब इवन द बिगेस्ट टेक कंपनीज लाइक गूगल एंड फेसबुक मार्क जुकरबर्ग लाइक दे दे ऑल हैव देयर शेयर्स स्पेशल शेयर्स Where the, even Correct. if they don't, like you cannot remove them. So, yes. aap do you feel like, uh, the, do people, startup people feel, even though it's a happy ending, even yeah. a super happy ending, uh, does it feel sad? Haan, matab, there is definitely a measure of sadness in that. But I think I also know my destiny a little bit that I'm, uh, as I said, like there is vertical experts and then there are these horizontal kind of dot connectors kind of a thing. <laughs> लाइक आई थिंक एट माई हार्ट आई न्यू आई वॉज द कांड ऑफ पर्सन वु समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ दैट पीरियड ऑफ टाइम कैन मतलब आई वॉज कमिटेड टू डूइंग इट लाइक आई लाइक आई हैव क्लियर गोल्स सो आई कमिट टू डू समल ऑफ एक्सलेंस बिफोर आई लीव इट सो आई नेवर लीव थिंग्स मैं बीच में नहीं छोड़ता लाइक नॉवल पब्लिश होने के बाद लाइक आई लेट गो ऑफ इट दो नहीं करूंगा तो सिमिलरली आई न्यूस्टर्स को वेरी गुड रिटर्न फॉर देयर बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इन मी टू पुट द मनी But once that happened, I knew ki you know uh, like I'll I'll kind of go do the like next thing. So I'm a person who like will do multiple things so in when life. Did yeah. The deal close? August. 2020 uh, August. During Covid. During Covid, and remotely. I've never met Baju even now, by the way.

फिर एक साल माई किड्स वर मतलब उन्हें मतलब ऑलमोस्ट बिकॉज ऑल दिस टाइम आई वॉज लाइक राइटिंग नॉवल ये वो एंड यू नो लाइक डिस्कवरी का टी वी चैनल लॉन्च करा था फिर अपना वाइट हेड करा तो आई रियली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद दैम सो देर इन मतलब देवर सिक्स यू नो सेवन एंड फाइव ईयर्स ओल्ड सो फिर एक साल मैं और मेरी वाइफ वी मूव विद द किड्स टू कास्टरिका वहाँ पे एक कॉस्टरिका में एक था ये कि स्कूल खुले थे उधर और एक छोटा सा फॉरेस्ट में एक स्पेनिश विलेज का स्कूल था जो खुला हुआ था उधर तो हमें चाहिए था कि स्कूल खुले हुए एंड एंड तो वी वर फ्री सो हम लोग फिर कौशरिका चले गए और एक साल फिर कौशरिका में वो छोटे से एक विलेज में रहे करेक्ट एग्जैक्टली देन वहाँ पर रहकर वट डिड यू डू एक साल मतलब हैंड यू आर रनिंग दिस कंपनी इज मेगा ग्रोथ पाँच हज़ार लोग हैं पंद्रह हज़ार लोग हो गए थे एंड ना यूर इन कॉस्टरिका एक

मतलब तो रफली days डेज प्लस माइनस रोज आ, मतलब आप तीस किलोमीटर के आसपास चलते हो एंड पूरी दुनिया से लोग अच्छा वो कर रहे हैं वो जगह, मतलब का जगह बहुत अच्छा है क्योंकि चर्च अपने बेसमेंट्स खोल देते हैं इट्स लाइक फॉर pilgrims के लिए ये ही तो कर रहे हैं नॉट Catholic obviously तो वो तो ये हर रोज चर्च विल ओपन द

एक है कि आई कुड लिव इन लक्सरी यू जस्ट सेड अब हम एक साल यूरो पैरिस और दुबई एंड आई थिंग लाइक दैट बट यू सेड नहीं मेरे को फिर से वासना करनी है फिर से वहाँ यूरो uh, you know, चुप रहना है दस दिन एन ईट वे लाइक स्पाट एंड सेम आपने वहाँ आठ सौ किलोमीटर चलना है धर्मशाला में रहना है जो भी है do you keep going back to that because you you obviously go back to that because आपको उसमें वैल्यू हाँ. तो दिखता है हां क्या वैल्यू दिखता है वैल्यू यही दिखता है कि जैसे जब जब ये आश्रम में था तो दो महीने साठ दिन सो so वो आश्रम में टिपिकली जो सेटअप होता है पचास 60 लोग एक डॉर्म रूम में रहते हैं और दो बाथरूम होते हैं यू you नो know, दो दो काइंड ऑफ टॉयलेट होते हैं जहाँ पे सब लोग about 50 to 60 rehte hain typical ashram setup hai jo tell anyone i have just sold this company and i have ha to ye basement ke andar bhi wo to i think wo hota hi hai ki usse you just get like ek bahut again strong conviction aata hai ki like you don't need too much stuff uh, to kind of feel uh, to have your more deepest experiences kin ab to aage paise पैसे आने के बाद वो conviction जरूरी था कि मुझे लग रहा था कि comfort के decisions नहीं लूं और क्योंकि वो थोड़ा सा वो एक like एक 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 टेम्पटेशन होगा ना कि किड शुड बी इन सम वेरी गुड स्कूल इन न्यूयॉर्क या फिर लाइक बिकॉज माई वाइफ इज अमेरिकन अमेरिकनो एक एक टेम्पटेशन रहता है कि यू यू नो लाइक लाइक साइड लाइफ एंड मतलब मतलब मोर की शुड गिव गोवा के स्कूल में हो गए या फिर यू नो यू आर बेटर ऑफ इन सम लाइक लाइक तो थोड़ा टेम्पटेशन रहता है कि वॉट यू आई थिंक इट्स गुड टू नो वॉट यू ट्रूली नीड टू लिव एंड आई थिंक फॉर माई किडो आई फील द सेम वे की

एंड मेरा ट्रू पैशन ऑफिस ही वॉज गवर्नेंस रिलेटेड स्टफ नॉ इलेक्शन जीती का ऑविस जस्ट मींस टू एन एंड टूवर्ड्स बींग एबल टू रन अ स्टेट वेल एंड लाइक यू नो एंड एंड रियली पुट द प्राइवेट सेक्टर ऑफ एनर्जी टू द पब्लिक सेक्टर बट आई रियलाइज कि वो जो गवर्नेस का पात वो इलेक्टोरल के थ्रू है वो जो इलेक्टोरल का पात वो इज नॉट माई पाथ मतलब आई वोट बी हैप्पी विद दैट लाइक दैट नॉट माई अंदर से वो इंस्टिंगट नहीं है मेरा कि दिस इज द राइट पाथ बिकॉज मुझे लगता है कि उसमें नॉइज काफ़ी ज्यादा है और like like my energy would be go, no, would not be used in all that stuff well uh, so i think i want to like i want to tackle big problems you know use technology and like tackle like big public sector problems usme mera zyada passion but to make a lot of noise and win elections is like a means to an end but i think you reach a point where you don't want to just keep choosing means towards an end to your earlier point of financial freedom when you like in some ways when you have that financial freedom you also have that spiritual freedom that you should do every day

versus the time when you and i were growing up is key i think the politicians have the same pressure to deliver outcomes people are asking for outcomes and then they know key the limitation of the public sector is key it's a bureaucracy and a hierarchy and people who are coming with no stakes at all pro bono kamkaray uh, they, they listen to them so i think wo, that was very helpful so i did that and then kericora i'm doing a startup now again yeah One more startup hmm. with much more enduring this time

एज़ वन ऑफ माई लास्ट क्वेश्चन इज़ कि जो लोग ये चैनल देख रहे हैं गाइज थैंक यू बाय द वे फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ भूलना मत कॉमेंट करना एंड लाइक like करना सब्सक्राइब करना उसी से इस चैनल को सपोर्ट मिलता है ऐसे एंड यू नो टू गेट सच पीपल जिन्होंने लाइफ में इतनी अलग अलग चीज़ें की हैं आई थिंक इट्स अ रियल प्लेजर फॉर मी टू लिसन टू सच पीपल एंड आई एम श्योर इट्स बेनिफिशियल टू यू एंड जो ये लोग लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं सफल होना चाहते हैं सक्सेसफुल होना चाहते हैं खुश रहना चाहते हैं दे वॉट बी हैप्पी वट वुड बी योर समरी एडवाइस बी टू योर यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वॉचिंग देर यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वॉचिंग वट वुड यू टेल आई थिंक टू थिंग्स जो मेरे अपने पर्सनल रिग्रेट्स हैं फर्स्ट क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन अर्ली अपना खुद का कुछ बनाना बहुत जरूरी है अर्ली बिकॉज वट आई हैव सीन इसकी जो पहला क्रिएटिव प्रोजेक्ट है उसमें पूरी लाइफ का

एंड आई थिंक सेकेंड जो लाइफ में बहुत लेट रिलाइज होता है जाके कि योर लाइक योर इंटरनल ग्रोथ इज़ द ओनली थिंग दैट विल भी रिवॉर्डेड बाई द वर्ल्ड कितना खुद ग्रो हो रहे हो एंड अगर कम्फर्ट के डिसीजन लोगे कि अपने जॉब में हो थोड़ा सा और बेटर करो ये वो उतना एक्सपोलोव ग्रोथ नहीं होगा और उतना एक्सप्लोजिव रिटर्न नहीं मिलने वाला एंड ये डिस्क अनकम्फर्टेटल डिसीजन लोगे तो ग्रोथ विल भी एक्सप्लोजिव एंड रिटर्न इवेंचुअली विल भी एक्सप्लोजिव शॉर्ट टर्म में नहीं होते बट लॉन्ग टर्म में देयर एक्सप्लोजिव रिटर्न सो आई थिंक Just make decisions of growth, not decisions of fear, all the time. All right. Theek hai. And uh, if people want to learn more on spirituality, yeah. and um, how to begin? Toh, I would say experiential, which uh, Buddhist ka wo learning philosophy is a Shravana Manana, which means ki learn by uh, reading and hearing, then learn by reflection, and then learn by experience. Three levels of learning. तो आई थिंक तीनों बहुत सही है पहले रीड अ लॉट वट बुक्स बुद्धिज्म के बुक्स अ फॉर मी बुद्धिज्म एंड वे बीन वेरी यूजफुल विवेका चुद्धमनी एंड बुद्धिज्म अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स सत्य पिता सूत्र वगैरह वर वेरी वेरी हेल्पफुल बुद्धिज्म एंड विधानता है उपनिषद हैर्नी एंडन रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ वट एवर यूर रीडिंग एंड देन एक्सपीरियंस के अंदर तो बहुत अच्छा ऑप्शन इंडिया तो इज वंडरफुल ना टेन डेज रिट्रीट और कहीं करने जाओगे तो महीनों वेट करना पड़ेगा टू फाइंड थिंग यहाँ पे तो, तो लगातार हर रोज आई कैन डू वन डे रिट्रीट थ्री डे रिट्रीट टेन डे रिट्रीट तो टेन डेज रिट्रीट योगा टीचर्स ट्रेनिंग अगर मौका मिल गया हिमालयस में हाइकिंग करना मतलब

Uh, I should listen better but and I'm trying it's hard but, uh, no no you're I, a great <laughs> I am become much better at it now and I've learned so much from you and I think uh, the fact that there is a need for spiritual ground, grounding willful poverty I think is such powerful concepts and uh, and you've not really uh, like gotten affected by the materialism despite being without materialism and with the money and without the money so I think that's fantastic, and of course you're a writer. I I think you can still keep writing. Ah uh ha! -huh. Abhi, uh, a non-fiction book, Freedom Manifesto, I wrote. Thank you so much for coming. Thank you, Thank you. Thank you. guys. to these Karan Bajaj, founded White Hat Junior, and who is an author, and of course a lot of other things. I hope you enjoyed this deep talk. Keep watching, and yeah, keep liking, subscribing, sharing, commenting. Send it to your WhatsApp groups in your family and everything, and support the channel. Thank you so much. Thank you. Thank you.